एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट वन चल रही है क्वेश्चन नंबर वन हम लोग कर चुके हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे टू से आगे देखेंगे कहाँ तक हम लोग अल्ले चल पाते हैं आज की कहानी तो क्वेश्चन नंबर टू है आ, मैं क्वेश्चन नंबर टू पढ़ रहा हूँ एक्सरसाइज फिफ्टीन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन अच्छा कुछ उसके पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर दो के कुछ पार्ट दिए हुए हैं उन पार्ट में एक एक करके पढ़ना है और आपको ये बताना है कौन सा इक्वली लाइकली है उससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन के पार्ट पढ़ूँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इक्वली लाइकली क्या होता है केवल आप समझ लें बस फिर आपसे ऑप्शन अपने आप ही आप देखते ही बता दोगे कि हाँ सर ये इक्वली लाइकली है आप सही कह रहे हो और ये नहीं है आपको कतई किसी आंसर शीट का और किसी का कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा आप थोड़ा सा बस दिमाग लगा लीजिए इक्वली लाइकली होने का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट आए यानी जितने भी आउटकम्स आए उन सबको होने की या फिर उन सबके ना होने की संभावना बराबर होनी चाहिए और अगर ये बराबर होती है तो हम कह देंगे कि ये एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली है और अदरवाइज हम कह देंगे इक्वली लाइकली नहीं है एग्जाम्पल से समझो एग्जाम्पल ये है कि उन्होंने ये बोला है आपसे कि जैसे आप एग्जाम्पल ये समझो जैसे आपने कॉइन टास्क करा और आपने अगर कॉइन टास्क करा तो आपका हेड आने का का जितनी संभावना है ना उतनी ही संभावना टेल आने की है तो इसका मतलब जो कॉइन टास्क किया जा रहा है उसमें हेड आना और टेल आना इक्वली लाइकली घटनाएं हैं एक और एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे मान लिया आपने डाइस थ्रो करी डाइस थ्रो करी कितनी कितनी कितने इवेंट आ सकते हैं कितने आउटकम्स हो सकते हैं एक आ सकता है सर दो आ सकते हैं सर तीन आ सकता है सर चार आ सकता है सर पाँच आ सकता है सर छः आ सकता है सर तो आपको अब, अब मैं पूछूंगा कि दो का आना और छः का आना दोनों की संभावनाएं बराबर हैं कि नहीं हैं तो आप तो खैर ये कह सकते हो खेलते हैं सर छः बड़े मुश्किल से आता है लेकिन ऐसा नहीं होता अगर छः की जरूरत है तो जितनी संभावना छः को आने की है उतनी ही संभावना दो को आने की है और एक को भी आने की उतनी ही संभावना है तीन आने की भी उतनी ही संभावना है चार आने की भी उतनी संभावना है और पांच आने की भी उतनी ही संभावना है इसलिए हम कहते हैं कि डाइस को थ्रो करना भी इक्वली लाइटली घटना है अब कहो सर ये इक्वली लाइटली फिर होता किसमें नहीं सर सब में तो आप इक्वली लाइटली बता रहा हूं तो मैं कहूंगा ठीक है जरा सोचो अगर उसी क्यूब में उसी क्यूब में जो जहां जहां पर गिनती एक दो तीन चार पाँच छ तक लिखी हुई है उसी क्यूब में अगर मैं एक एक सरफेस है ना जिसपे छ है और एक और कोई सरफेस ले लो उस पर भी छः दे दूँ और एक को हटा दूं, यानी सरफेस आज भी छ ही है लेकिन उसमें से एक वन गिनती जो है ना वन वन को हटा दिया गया वहां पे छः कर दिया छः लिख दिया गया तो अब छः आने की संभावना दो सरफेस में हो गई कहने का मतलब अब क्या क्या आ सकता है अब आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पाँच आ सकता है छ और, और छः दो बार क्यों क्योंकि दो सरफेस में मैंने डाल दिया अब बताओ क्या दो आने की संभावना और छः आने की संभावना क्या बराबर है नहीं क्योंकि अगर ये सरफ़ेस आ गई तब भी छह बोलोगे आप छे आ गया सर और ये सरफ़ेस आ गई, तब भी आप बोलोगे कि सर छह आ गया तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दो आने की संभावना और छह आने की संभावना इक्वली लाइकली घटना नहीं है क्यों क्योंकि छियाने छः दो सरफेस पे आपने लिख दिया है और ये इक्वली लाइकली नहीं रहेगा छियानी की संभावना ज्यादा बढ़ गई है और इस तरीके की घटनाओं को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली घटना नहीं है अगर ये छः नहीं होता कुछ और होता यहाँ पर मतलब ये सभी गिनतियों को बराबर बराबर हम संभावनाएं देते तो हम कहते हैं ये घटनाएं इक्वली लाइकली है उम्मीद है आप इक्वली लाइकली समझ गए हो गए अगर आप इक्वली लाइकली घटनाएं समझ गए तो आपको क्वेश्चन नंबर टू के सारे ऑप्शन अभी आप बताएंगे और आपको सब समझ में आते चले जाएंगे आप समझते हैं मैं मैं ओवरऑल बोलूँगा आप सब समझेंगे आप ही को आंसर देना है जैसे ऑप्शन नंबर वन लिखा हुआ ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू ए कार कार स्टार्ट आर डज नॉट स्टार्ट अच्छा बोला है कि एक ड्राइवर है और वो ड्राइवर अटेम्प्ट करता है मतलब चाबी घुमाता है कार को स्टार्ट करने का अब सोचो अब उन्होंने कहा कि कार का स्टार्ट होना या कार का ना स्टार्ट होना दो ही काम हो सकते हैं या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या कार स्टार्ट नहीं होगी भाई तो अगर नहीं स्टार्ट होगी और यह होगी इनकी घटनाएं क्या इक्वली लाइकली हैं क्या यह दोनों घटनाएं बराबर हो सकती हैं देखने एक नजर में तो लगता है कि हां सर या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी लेकिन अब आप सोचो कि आपकी कार नई है अगर आपकी कार नई है ना तो अगर नई कार है तो कार स्टार्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा है कि कार एक ही बार में स्टार्ट हो जाएगी और कार न स्टार्ट होने की संभावना बहुत कम है तो यह घटना इक्वली लाइकली कैसे हो गई भाई नई कार है बैटरी सही है डायनमो सही है सारे वायर सही है तो फिर यह घटना इस तरफ ज्यादा इस तरफ ज्यादा बायस्ड हो गई ना कि मतलब ये इस तरफ ज्यादा झुका हो गया उसका कि भाई ऑन होगी होगी लेकिन आप गए और एक कोई खटारा गाड़ी खरीद लिया जिसमें ना बैटरी सही है ना डायनमो सही है तो ज्यादा संभावना हो गई कि वो स्टार्ट नहीं होगी तो यहाँ पर कोई ना कोई तरफ झुक झुक जा रही है कहानी कि मतलब ये दोनों इक्वली लाइकली घटनाएं नहीं हो पा रही हैं ये डिपेंड करता है कुछ अदर कंडीशन पर बैटरी की कंडीशन पर कार की कंडीशन पर तो इक्वली लाइकली घटना ये नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशन अदर भी हैं जो कि इसमें इफेक्ट डालती हैं मैं दूसरा पार्ट पढ़ रहा हूँ पहला उम्मीद है समझ में आ गए होंगे कि इक्वली लाइकली क्यों नहीं है दूसरा ए प्लेयर अटेम्प टू शूट ए बास्केट ही शी शूट और मिस द शॉट अच्छा देखो बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन मतलब देखने से कि भाई किसी ने मतलब शूट किया बास्केट और वो बास्केट में गया या नहीं गया दो ही आउटकम होंगे या तो वो बास्केट में गया या तो वो विन हुआ या फिर वो लॉस हुआ अच्छा अगर ये लॉस हुआ या बिन हुआ इनकी घटना है तो लग रहा है आउटकम तो दो है बातें तो दो होंगी बात तो सही है लेकिन क्या इक्वलीगल लाइकली है नहीं जरा सोचो कि अगर ये इतना इतना पोर्शन अगर दीवार है और इसमें कहीं इतना बास्केट है और इसमें जाएगा तब बिन होंगे आप अच्छा तो यहाँ पे विन करने की इतनी वाली इतनी प्रोबेबिलिटी यानी इतनी इतने में गई तब तो आप विन होंगे अदरवाइज यहाँ इतने भरे में पूरे में कहीं भी चला गए चले गए तो आप लॉस लॉस हो जाएंगे मतलब आप विन नहीं हो सकते तो यानी इसकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा एरिया है कहीं भी गया तो ये ये यहाँ भी कहाँ कहीं भी गया तो यहाँ जाने की संभावना यहाँ जाने की संभावना यहाँ जाने की संभावना यहाँ यहाँ ये ज़्यादा है कि ये इतनी सी ज़्यादा है तो ये ये कम है और ये ज़्यादा है तो ये घटनाएं इक्वली लाइकली नहीं हो सकती हैं क्योंकि आपने जब शॉर्ट किया तो हो सकता है कि वो इसी जगह पर जाए इस पर जाए अगर ये दोनों इतने ही पार्ट होते इतना ही एरिया होता तो हम कहते हैं हाँ सर एक लाइकली है लेकिन एक तो बहुत बड़ा है पूरी दीवार है और एक तो मतलब जरा सी बास्केट है उसमें जाए तो दोनों इक्वली लाइकली तो नहीं हो सकती ना थर्ड ए ट्रायल इज मेड आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन द आंसर इज राइट और रॉन्ग अब सोचो यहाँ पे मैं आप उन्होंने फिर एक मतलब आपको एक और अच्छा क्वेश्चन दिया कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि आप एक क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करते हो लेकिन क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है उसमें आपके पास दो ही ऑप्शन है या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है अब सपोज करो आपको क्वेश्चन नहीं आता आपको क्वेश्चन नहीं आता आप तुक्का लगा रहे हो और दो ही ऑप्शन है या तो ट्रू है या तो फॉल्स है अब अब ट्रू हो अब आपने मान लिया ये तुक्का लगाया अब आप फिफ्टी परसेंट पे बैठे हो भैया सही है हो सकता है आपका तुक्का सही हो या हो सकता है नहीं हो तो ये दोनों घटनाएं आपका तुक्का सही होना और आपका तुक्का सही ना होना इक्वली लाइकली घटना है यहाँ पे कोई और फैक्टर ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है आप तो तुक्का मार रहे हो तो अब दो ही ऑप्शन है तो 50 परसेंट ये हो सकता है या हो सकता ही है ये आए ये हेड टेल टाइप क्वेश्चन हो गया ना मतलब आपने कॉइन टास्क किया था तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा तो आपका ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और ये इक्वली कॉली लाइकली घटनाएं हैं फोर्थ पार्ट है ए बेबी इज बॉर्न इट इज बॉय और गर्ल एक बच्चा बच्चे ने जन्म लिया वो लड़की है या लड़का है इक्वली लाइकली घटनाएं होती हैं या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा इसमें कोई और दूसरा फैक्टर तो है ही नहीं अच्छा क्वेश्चन नंबर तीन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर दो के सारे पार्ट हमने करवा दिए हैं इक्वली लाइकली के लिए आपको अच्छा समझ में आ गया होगा समझ लीजिए क्योंकि अगर आप आगे भी मैथ लेते हैं तो ये चीज आपको बहुत काम आएगी हाँ क्वेश्चन नंबर थ्री है वाई इज टॉसिंग अ क्वाइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टर्म विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम अच्छा ये क्वेश्चन बहुत डिस्कस का इन्होंने बोला है मतलब डिस्कशन करना है इसमें आपको जो भी समझ में आए वो लिख देना मगर आप ये बात जरूर लिखिएगा कि कहने का मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी टीम आ, बैट बॉल या फुटबॉल की टीम है तो उसमें वो लोग टॉस क्यों करते हैं टॉस से क्यों डिसाइड करते हैं कुछ और क्यों नहीं कर लेते हैं जैसे आपको मान लो क्रिकेट की टीम है तो टॉस किया जाता है ना एम्पायर टास्क करता है कि भैया जो जीतेगा टॉस वो बैट और बॉल मांगेगा कि भाई मेरी बैटिंग है बॉलिंग है तो वो कह रहे हैं कि टॉस ही क्यों किया जाता कुछ और क्यों नहीं कर लेते तो टॉस इसलिए किया जाता है कि टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल uh, आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली घटनाएं होती हैं इसमें दोनों की चांस बराबर होते हैं इसलिए कोई भी बायसनेस नहीं हो सकती मान लो बायसनेस क्यों हो जाएगी सर इसमें होगी क्यों नहीं अगर एम्पायर भी उसी कंट्री का हो तो वो तो चाहेगा कि हमारे टीम को उसका फेवरेबल चीज़ मिले तो कॉइन टासिंग में ये चीज़ नहीं हो पाती वो उसमें कोली लाइकली घटनाएं होती हैं दोनों टीम टीमों को बराबर बराबर चांस रहता है इसलिए वो लोग टॉस करते हैं बस इतना सा आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में कुछ पार्ट दिए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट उन्होंने कुछ पार्ट दिया उसमें कहा इसमें से कौन सी प्रॉबलिटी नहीं हो सकती हैं uh, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है टू अपॉइंट थ्री सेकेंड पार्ट दिया हुआ है माइनस वन पॉइंट फाइव थर्ड पार्ट दिया हुआ है फिफ्टीन फिफ्टीन परसेंट और फोर्थ पार्ट दिया हुआ है जीरो पॉइंट सेवन हाँ केवल एक ही बात इसमें याद रखिएगा क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि कोई भी घटना की कोई भी इवेंट की प्रॉबलिटी जो है ना जीरो से हमेशा बड़ी या बराबर होती है और एक से हमेशा छोटी एक से हमेशा छोटी या बराबर होती है एक तक होती है, मतलब एक हो जाए मैंने इक्वल भी लगाया है जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है बट उससे छोटा नहीं होगा तो यहाँ पर आपने जाहिर सी बात है ये देख रहे हैं 15 परसेंट सर एक से बड़ा है नहीं ये एक से बड़ा नहीं है इसको आप फिफ्टसेंट को खोलेंगे तो अपॉन हंड्रेड कर लेंगे तो ये एक से छोटा ही है ये कितना है सर ये सेवन अपॉन टेन लिखा हुआ है ये भी एक से छोटा है और जीरो से बड़ा है तो ये तो बिल्कुल सही हो सकता है ये भी किसी की प्रॉबल्टी आ सकती है हो सकता है ये भी किसी की प्रॉबल्टी आ जाए लेकिन मैंने आपको बोला कि कोई भी घटना की प्रॉबल्टी जीरो से कम नहीं हो सकती यानी निगेटिव आने का सवाल ही नहीं होता तो यही गलत है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ जीरो पॉइंट जीरो फाइव वाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई देखो इस पर भी क्वेश्चन नंबर जब हमने वन बताया था उसमें एक पार्ट कोई था शायद उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था उसी पर डिपेंड उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया है और न्यूमेरिकल में ये बोला कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी कि कोई भी घटना की प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव है तो उन्होंने बोला इसी घटना की हो रही है और ये नहीं हो रही घटना के होने की प्रॉबर्टी ये दी घटना के नहीं होने की प्रॉब्लिटी आपसे पूछ ली तो अगर कोई घटना ऐसी है जिसमें दो ही इवेंट है या तो वो होगी या तो नहीं होगी तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा एक होता है मैं बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर एक में किसी पार्ट में मैंने बताया था तो आपको पता है ना कि प्रॉबर्टी ऑफ ई उस घटना के होने की प्रॉबर्टी या फिर उस घटना के न होने की प्रॉबर्टी का योग का सम हमेशा एक होता है यहां पर इसकी वैल्यू डाल दीजिए जीरो और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इज इक्वल टू वन ये उधर भेज दीजिए ये उधर भेजेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग आएगा वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव और ये आपका हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फाइव ये आपका आंसर उस घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी आएगी क्वेश्चन नंबर पाँच तक हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर छः से आगे हम लोग देखेंगे अभी आप पहले इतना समझ लीजिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं मैं कुछ थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके सामने लाऊंगा आपको अगर समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए